गांव में एक लड़की की गाड़ी क्या खराब हो गई, पूरा गांव आ गया गाड़ी ठीक करने के लिए। काका, काका क्या कर रहे हो? रहने दो, हम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं दियो, हम कर लेंगे। लाओ लाओ, दो दो दो, मैं कर लेती हूँ। बैठ जाओ काका, हम साफ कर ले सब। हाँ, बैठ जाओ। कैसे हो काका? ठीक है बाबू। ठीक है। देखो ना यार, यहाँ पे है ना घर पर कोई भी नहीं है, तो है ना ये सब हमें साफ करना पड़ेगा, और धूप तो इतनी भयानक वाली हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। लाओ मम्मी, उसको झटकना पड़ेगा ना पहले। हाँ, तू कर ले साफ। हाँ मैं कर लेती हूँ फटाफट, तो आप उधर बैठ जाओ। आंधी आई थी क्या कल? लगता ऐसे रहा है। हाँ ना, कितना मिट्टी हो गया उस पे, आंधी आई थी शायद। कृष्णा को छोड़ने हम अयोध्या गए थे, और हम वही दो दिन रुके थे। जब हमने घर आके देखा तो सब तरफ कचरा पड़ा हुआ था। धूप में डाल देती हूँ उसको। ऐसे उधर सुखा दे, वहाँ पे सुखा दो ना थोड़ा धूप। हाँ, में अच्छे से लेके जा, गिरा मत। तो अभी हम है ना ये सब साफ सफाई करने वाले, और इस साइड है ना हमारा किचन सेटअप करने वाले, क्योंकि क्या है ना अभी है ना घर पर कोई भी नहीं है, तो जितने दिन हम यहाँ पे रहेंगे ना, तो मम्मी और मैं हम दोनों मिलके खाना बनाने वाले हैं। मम्मी रेडी हो? और पापा ने ना गैस भी भरा के ला लिया है, तो हम सब है ना अच्छे से सेटअप करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो काम पे लग जाते हैं अभी से। ये देखो, ये जो जितनी भी बोरियां है ना, ये हम एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा किचन एकदम अच्छे से सेटअप करते हैं। सबसे पहले मम्मी ये बोरियां साइड कर लेते हैं और झाड़ू लगाते हैं। तो हमने हमारा किचन सेटअप कमीशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ओ भाई साहब, आप पहले बताओ मेरे को कि आपको किचन किस साइड सेटअप करना है। इधर इधर, ये साफ जगह है ना, इस साइड ना। ठीक है चलेगा, ये लो। इधर साइड में करो ना, वो दो वाले। बस बस बस, यहाँ पे कर लो। हाँ देखो, यहाँ पे जितना भी सामान था ना, हमने वहाँ पे लगा दिया है, और अब मम्मी है ना झाड़ू मार रही है। यहाँ पे है ना दिन में दो बार ऐसे साफ सफाई करनी होती है, वरना है ना इतना ही ऐसे गंदगी हो जाती है। लेके चलो उसको। देखो मम्मी ने ना ये गैस भी ला लिया है। लाओ मैं करती हूँ, दो। पहनने में बैठाती। हाँ बैठाओ, मेरे से नहीं होगा। दो भला बैठा के दो पापा। बराबर बिठाया था। हाँ बैठ गया। हाँ बराबर बिठा था उसने। हाँ ना, अब क्या कर रहे हो आप? खाना बनाने से पहले गैस की पूजा कर रहे हो? तो पूजा होने के बाद में ना मम्मी सबसे पहले क्या चाय बनाने वाले हो ना? हाँ चाय बनाएंगे सबसे पहले। ये लो पूजा कर लो आप पहले, फिर चाय बनाएंगे। तो अगर नए जगह पे खाना बनाना चालू करते हैं ना, तो सबसे पहले ना उसकी पूजा करनी चाहिए, फिर खाना बनाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो मम्मी? किससे कर रहे हो आप स्वास्थ्य? किससे बना रहे हो? सिंदूर से। कुमकुम ही नहीं है घर में, हल्दी कुमकुम वाला कुमकुम होता है ना। तेरे हाथ से? मेरे हाथ से चावल डालू मैं? ये लो मैं डालती हूँ। देखो मम्मी उनके नए किचन में ना ये जो संतोषी माता है ना, इनका भी फोटो लगा रही है। वाओ टीका मस्त लगा है। काका, काका घर में दूध नहीं बा? का भीतर वाले घर में? भीतर वाले दूध हुए तो वो का अच्छा। ठीक बा ठीक बा। मैंने ना अभी दूध लाया, मुझे ना ऐसे दही के जैसे बास आ रहा है, शायद से फट गया। तो ये माई ने बताया कि एक बार है ना उसको उबाल के देख लो। ठीक बा माई? हाँ हाँ, एक बार उबाल लिया तब देखा। हाँ हाँ मम्मी क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे खाना बनाने में, मतलब हाँ। खाना तो नहीं, चाय बनाने में अच्छा लग रहा है। देखो ये मम्मी अदरक अदरक वाला जो होता है ना वो भी लेके आ गई। फटा हुआ है मम्मी दूध? नहीं, माई ने सही कही, एक बार उबाल के देख लो फिर पता चलेगा, है ना माई? हाँ, हाँ।
देखो ये हमारे पापा। अदरक का दूध लाओ हमको। रुको जरा, अदरक ही नहीं यहाँ पे। क्या है तुम्हारे किचन में? अभी जस्ट किचन स्टार्ट किया है पापा। अभी मैं शाम को जाऊंगी और सब लेके आऊंगी किचन का सामान। चाय की रेसिपी क्या बताऊँ, चाय तो सबको बनाना आती है। हाँ, बाबा के लिए दूध बना रहे हैं। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे भी दूध निकाल के रखा है ना, फिर चाय बनाएंगे। चाय काका है ना दूध दूध नहीं पीते, और काका है ना दूध वाली चाय भी नहीं पीते। आप सबको पता है काका क्या पीते? काका ब्लैक टी पीते हैं। ब्लैक टी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसे काका बोलते हैं। बाबा ये लियो दूध। मिला क्या दूध? हाँ मिल गया। कहाँ मिला? उधर ही था, रूम में रखा हुआ था। ओके आराम से। गरम। आपके लिए ब्लैक टी लावा? काला चाय लाए? नहीं कुछ ना लाओ बाबू, अभी क्यों? अभी नहीं पिए। अच्छा शाम को देखा जाए, शाम को पेट गड़बड़ पर। दादाजी के डर से ना अभी काका कुछ नहीं बोल रहे। ठीक वाह, करक बात कर थी। क्या बोल रहे हैं भाई? वो बोल रहे हैं कि तेरे को शादी कब करने की? नहीं नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। हम लड़के के जैसे रहेंगे, माँ बाप के घर पे माँ बाप को संभालेंगे। हम नहीं करेंगे शादी। करे चाहिए, लड़की को तो शादी बिना किए ना ही फुर्सत है। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। ना करा। ये भेजेंगे नहीं हमको, हमारी है, लेकिन शादी तो होना है। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। आप हो ना देखने के लिए, तब देख लेना, हम नहीं करेंगे शादी। है ना मम्मी? आप भी मत भेजना मेरे को कहीं। नहीं हम नहीं करवाएंगे शादी। देखा माई, हम नहीं करेंगे शादी। बोलो पापा कुछ बोलो। तेरी मर्जी है, शादी करने का करो, नहीं करने का तो तेरी मर्जी है। नहीं नहीं माई, हम नहीं करेंगे शादी, हम मम्मी पापा को संभालेंगे। संहारक तो बस मम्मी पापा को तो संभारक रहा, लेकिन शादी तो बिना किए नहीं। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, देखना आप, हम नहीं करेंगे। हम देखब। हाँ भाई बताओ तो ये वाला अच्छा है? हाँ नहीं अच्छा बा, ये अच्छा बा। हाँ देखो ये वाला अच्छा बा। हाँ ये ना ही अच्छा लागत बा, ये दोनों अच्छा हम लागत बा, ये दोनों ही अच्छे नहीं है। कौन सा देना है माई को? ये माई को दे दो। माई ये लियो चाय। हाँ बच्ची लाओ चाय। ये लो, ये पापा द किंग द बॉस की कप है, ये देखो कितना बड़ा कप है। ये लो चाय पियो, अच्छी बा माई चाय। हाँ हाँ अच्छी बा चाय, अच्छी बहुत अच्छी चाय बा। आज बहुत दिन के बाद बढ़िया चाय पिए मिलत बा। तो आज है ना दादी का बर्थडे, तो यहाँ पे ना नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। हम कब से फोन कर रहे, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ मैं। दादी को विश तो कर देते ना, अगर हम उधर होते ना तो दादी का एकदम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते। हैप्पी बर्थडे आई। हाँ थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे आई। काय चालू है? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ना किचन के लिए क्या क्या सामान लाए। ये देखो ये चाकू है, फिर ये ना ये आलू वो जो छीलने का होता है ना ये है, और ये छन्नी भी है, इसमें आटा जिससे छानते हैं ना ये वाली छन्नी है, और ये लाइटर ये भी लाया है हमने। चलो ये तो किचन का हो गया, मेरे लिए क्या क्या लाया वो भी दिखाती हूँ। ये देखो ये है ना, इतने सारे क्लिप्स लाए, इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे क्लिप्स है। आप बताना गर्ल्स आपको कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं इसमें से। मैंने मम्मी को बोला था एक दो ले लेते, मम्मी ने पूरा ही ले लिया। ये देखो ये अलग अलग बिंदी ली है मम्मी ने उनके लिए। ये शांति आंवला का तेल, फिर उसके बाद में ये क्या है, ये फेस पील ऑफ मास्क, फिर उसके बाद में ये तो नेल पेंट, मैंने आपको पहले ही दिखाए थे, मुझे नेल पेंट का बहुत शौक है। और ये कलर कलर वाली बिंदी, काजल, और हाँ इयररिंग्स दिखाती हूँ सबको। ये क्या है? क्लिंजिंग मिल्क। ये क्लिंजिंग मिल्क है, ये स्क्रब है, और ये देखो ये मेन चीज तो ये है। एयररिंग्स कैसे बताओ, तो अच्छे लग रहे हैं? इसके ऊपर भी कावे नाम है। वाह पापा ये देखो, इस पे कावे नाम लिखा हुआ है। वाह अच्छा है, मेरे लिए बना था ये, हमने नोटिस नहीं किया यार, अभी नोटिस किया घर आने के बाद। कौन सा वाला अच्छा है बताओ तो एयररिंग। और ये क्या ना, ये मॉइस्चराइजर है, इसमें मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है। चलो अब मैं ये सब रख देती हूँ। पापा मेरी दुकान में से कुछ चाहिए आपको? मेरे काम का उसमें कुछ है ही नहीं। देखो मम्मी अभी क्या क्लींजिंग करके दे रही है मेरा फेस। हाँ। ये
फेस बहुत ज्यादा गंदा हो गया है यार, एकदम ऐसे काला काला पड़ गया है। वैसे आप सबको बता दूं, मेरी मम्मी ने ना पार्लर का भी कोर्स किया है ना, सरप्राइजिंग बात। आप बताओ, क्लींजिंग करने के बाद में मेरा फेस कैसे लग रहा है? मैंने ना फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगाया हुआ है। अच्छा लग रहा है ना? और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया यार, वो इतना हैवी ड्रेस था ना, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो सुधर ही नहीं रहा था वो ड्रेस में, अब अच्छा लग रहा है। काका बहुत बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। क्या ये क्या ये कैमरा है वो काका? कैमरा है, मोबाइल फोन का कैमरा है वो। हाँ ये दोनों। हाँ हाँ बाबा बाबा बोल रहे हो, उसमें जाके बैठ जाओ। हाथ दिखाना है। अच्छा तो आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हो? ये वाला ठीक है। या सब आया ना बच्ची? क्या लड़कियां भाई भागदार खूब, चाहे जहाँ रहे तहाँ कहूँ ना आई भलके का कमी बाएं, और नहीं के कमो रुकबे करे कहूँ कहूँ ना आई रुसकत, चाहे जहाँ रही खूब आराम से रही हैं, चाहे जहाँ रही खूब आराम से रही हैं, धन के कमी ना आई वरना कमो रुके वाला बाएं। पूजा आप किसकी करती हैं? महादेव सभी भगवान की करती हैं। सभी भगवान के ना? कृष्ण भगवान की, उनका कृष्ण भगवान का है। माता जी की भी करती हैं? हाँ माता जी का करना चाहिए, माता जी का खूब कीजिए। तो शनि भगवान के मंदिर पर आप जाइए, ठीक है? समझ रही है ना? हाँ। और कुछ? राजंसी है भाई लड़की का। लड़की का राजंसी है, राजंसी 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 का मतलब जैसे राजा। और मैं राजा हूँ? हाँ तो राजा है। ये कार है जो आप कमाएंगे, जहाँ चाहे जहाँ रहेंगे, वो परिश्रम का है। जैसे नाजायज पैसा नहीं है, नाजायज धन नहीं है किसी का, परिश्रम का पैसा। हाँ, परिश्रम का पैसा है। मैं राजा हूँ। आप सबने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा, कि मैं ना जहाँ पे भी जाऊंगी ना वहाँ पे मैं राज करूंगी, राज। मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अभी ना मैं जा रही हूँ मोना के घर पे, बिकॉज मुझे ना बाजार जाना है, तो देखती हूँ एक बार मोना घर पे है क्या, उसी को लेके जाऊंगी बाजार। देखो मैंने गोल सर्कल बना दिया। बताओ तो कौन कौन ऐसे हरकत करते हैं मिट्टी में, जो जो गांव में रहते हैं, बताओ तो आप लोग, आप ऐसे करते हो क्या? मैंने जैसे राउंड बनाया वैसे राउंड बनाना या फिर मिट्टी में खेलना, मैंने तो बहुत खेला है। देखो ये कितना प्यारा डॉगी है, ऊपर तो देख। देखो ये मेरे को हाथ भी दे रहा है, मुझे है ना डॉग्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। डॉग्स कैट्स कुछ भी दे दो, मैं बहुत अच्छे से खेल लेती हूँ उनके साथ में। हाँ उनके साथ टाइम स्पेंड करने में भी मजा आता है। मत तो हाथ मत खींच उसके, अरे हाथ मत खींच काका। ये देखो ये हम चला के लाए हैं, ये हम चला के लाए गाड़ी, बैठोगे हमारे साथ? बुआ लो बस, बुआ बैठो बैठो, आप पर हम घुमा के लाते हैं। हमारे पास अपाचे थी और हम भाग के निकल लिए बाजार जाने के लिए, लेकिन पापा का फोन आ गया कि जल्दी घर आओ और बाजार में इतनी बड़ी गाड़ी लेके नहीं जाना है, स्प्लेंडर लेके जाना। तो हम फिर से घर गए, स्प्लेंडर ली और निकल पड़े, लेकिन बीच में स्प्लेंडर बंद हो गई। एंड हमें क्या पता था स्प्लेंडर रिपेयर करने के लिए पूरा गाँव आ जाएगा।
हंस का रहे हो इतना? पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। क्या कहना है सबका? सिर्फ फंस रहे हो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। हाँ देखो ना, सिर्फ एक गाड़ी बंद हुई है, कितनी भीड़ जमा हो गई उसको ठीक करने के लिए। ये कहाँ डाल रहे हो उसमें? अच्छा ये हमारा ही है, मार दिया उसने करण। मम्मी जो भी बना रहे हो जल्दी बनाओ, बहुत भूख लगी है। किसकी लौकी की सब्जी है ये? हाँ। क्यों? कौन सी सब्जी? तरोई। तू? हाँ, मेरे को नहीं पसंद ये सब्जी। खिचड़ी भी बना रहे ना? अच्छा ठीक है, फिर चलेगा। ये देखो मम्मी ने क्या क्या डाला, बताओ मम्मी आप ही। राई डाली है। हाँ। लहसुन। हाँ। और हरी मिर्च और प्याज। अच्छा ये देखो, इसको मम्मी अच्छे से ना फ्राई कर दी। आपको पता है मम्मी, मेरी गाड़ी है ना बंद पड़ गई थी बीच में, मतलब यहीं पे घर के पास ही। हाँ थी? उसको ठीक कराने के लिए इतने सारे लोग आए, फैमिलीज। हाँ। फिर लड़कियाँ, फिर उसके बाद में कुछ भैया भी थे, उन्होंने ठीक कर दी मेरी गाड़ी। देख गाँव के लोग कितने अच्छे होते हैं। हाँ बहुत प्यारे होते हैं। तुरई की सब्जी डाल दी है इसमें, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें मसाले डालेंगे। देखो ये जो माधा की बोतल में लाई थी ना, ये पूरी गर्म हो गई है, तो इसका ना हम छपरे पे रख देंगे, ताकि है ना रात भर में ठंडा हो जाए ना पप्पा। हाँ इसको ऐसे रहने देना, रात भर में एकदम फ्रिज की जैसे ठंडी हो जाएगी। हाँ पप्पा ने बताया ऐसे छपरे पे रखने से ठंडी हो जाएगी। नला चलाए, कितने गंदे पैर हो गए पप्पा, थोड़ा धो ना उनको अच्छे से। मतलब मिट्टी के पैर धोना और फिर मिट्टी में जाना। ए पप्पा के बाल कितने सही लग रहे। ये देखो, ये देखो ये सब्जी रेडी हो गई, अभी मम्मी है ना खिचड़ी बनाने वाली है। पापा कहाँ जा रहे हो इतना मस्त सजक के? अरे हम जाते हैं अभी शादी में। शादी में? हाँ। तो कहाँ खाबो? जोन हो तो उन खा लिए शादी में, और का। हाँ वीडियो लेके आना, क्या खाने वाली हूँ वहाँ पे, हम भी तो देखे। वीडियो लेना मत भूलना, पापा हमेशा ऐसे ही करते है, मैं हमेशा बोलती हूँ कहीं नई जगह जा रहे हो तो वीडियो लेके आना उसका, ठीक बा पापा? हाँ समझे। सब ये सब साफ साफ सफाई करके रखा, हम आके सीधे सोए जाओ। हाँ मैं वो मच्छरदानी भी लगा के रखूंगी। हाँ। मैं रुको, काम करत वा। कितना सही लग रहा है ना मम्मी यहाँ पे, ये हैंडपंप से चावल धो रही है। ये देखो ये सब मेरे को देखने के लिए ना नया है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मतलब आप ही पापा के जैसे ऐसे शेफ बन के सिर्फ हमको ऑर्डर छोड़ो और खाना बनाओ टेस्टी टेस्टी सा। नहीं देखो ये तेल गरम हो गया, अब मम्मी ने ना इसमें लहसुन डाल दिया जो मैंने ना एकदम अच्छे से कूट के लिया है। वाह मस्त खुशबू आ रही है इसकी, खुशबू आने के बाद में प्याज डालना होता है ना। देखो अभी मम्मी ने ना इसमें हरी मिर्ची डाल दी हमारी किचन गार्डन वाली, ये बहुत तीखी मिर्ची है, इसको फ्राई होने दो। और पापा जिस शादी में गए थे ना, वहाँ कुछ ऐसा डेकोरेशन किया हुआ था, फिर मुझे समझ आया कि सिटी से ज्यादा बेस्ट डेकोरेशन तो यहाँ गांव में ही हो जाता है,
और ये जो स्टेज दिख रहा है ना, यहीं पे जयमाला की रस्म होती है। पापा वहाँ शादी में थे एंड हम यहाँ पे घर में खिचड़ी बना रहे थे। साफ टमाटर डाल लो। देखो ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, अब मम्मी इसमें टमाटर डाल रही है। देखो मम्मी ने ना ये आलू भी एकदम मस्त छोटे छोटे करके डाले। चलो दो किलो ये लो मम्मी, प्याज धो के ला लिए, सॉरी क्या बोलते इसको, आलू धो के ला लिए मैंने। अब मम्मी ने ना खिचड़ी में आलू डाल दिए, क्योंकि यार आलू के बिना तो खिचड़ी का मजा ही नहीं है ना। हो गया, क्या क्या मसाले डालने हैं इसमें? अभी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर इसमें। हाँ बहुत तीखा बनाओ मम्मी, बहुत दिन हो गए तीखा खाना नहीं खाया। सब खाते नहीं। खुशबू तो क्या बढ़िया आ रही है, काश मैं आप सबको सुंगा सकती इसकी खुशबू। हाँ अभी क्या हुआ पता है ना, मम्मी मिर्ची डाल रही थी खिचड़ी में, वो उड़ के है ना मेरी आँख में ही चली गई, तो बहुत जल रही है अभी मेरी आँख। तो मम्मी ने ना इसमें चावल डाल दिए, मम्मी है ना इसमें पानी डाल रही है, पानी लेके आऊँ? हाँ लेके आ जाओ। बन गई मम्मी खिचड़ी, मैं कब से वेट कर रही थी यार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, ये देखो वाह कितनी टेस्टी लग रही है। रुको मैं खा के बताती हूँ। अच्छी बनी है? एकदम मस्त तीखी तीखी बनी है, बहुत सही बनी है। तो हमने जो मच्छरदानी लाई थी ना, वो अभी हमें ना बिछा देते एकदम अच्छे से, मच्छरदानी खोलने की देर है। देखो बैठ गई एकदम अच्छे से ये मच्छरदानी, और पंखी को भी नहीं लग रही है, शायद से पापा के पैर पुरेंगे कि नहीं पुरेंगे इसमें। हाँ इसलिए हमने ये जगह थोड़ी सी खाली रखी है, ताकि अगर इसमें पापा के पैर ना पुरे ना, तो पापा यहाँ पे सो सके। मम्मी मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी से ये चैन खोल के ना अंदर चले जाओ, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। अरे ना अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सही है ना? एकदम सही है। अब ब्लैंकेट तो लेके नहीं गए क्या? सही है। देखो अभी मैं ना मच्छरदानी के अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद में तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी और मैं तो हम दोनों इसी में सोने वाले हैं, बहुत मजा आएगा है ना मम्मी? और रात को एक भी मच्छर नहीं, एक भी मच्छर नहीं आएगा, मच्छर को जगह ही नहीं है कहीं से घुसने के लिए। तो हम ना विक्स लगाएंगे हाथों पे, इससे है ना विक्स की खुशबू से है ना मच्छर आता भी नहीं है पास में। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया, अब देखते हैं कल क्या क्या होता है। आप लोग जल्दी से लाइक करो एंड चैनल का सब्सक्राइब करो, 2 लाख लाइक कर दो यार प्लीज।